Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the 30-day strategy for getting distinction or more marks in the examination of TYBCOM Semester 5. तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको इन 30 डेज में ध्यान रखना है, और किस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे परसेंटेज मिल पाएंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो से मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको किस सब्जेक्ट्स पे कितना फोकस करना है, क्या पढ़ना है, लास्ट मोमेंट में क्या चीज़ें करनी है, लास्ट मोमेंट में क्या चीज़ें को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी और जिसका आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगा तो लाइक कर ले। तो सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो वी हैव टू सब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो सारे के सारे चैप्टर्स काफ़ी बड़े हैं, और फ्रॉम दिस टाइम सेमेस्टर 5 में हर एक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन एग्जामिनर 20 मार्क्स के क्वेश्चन को दो 10-10 मार्क के क्वेश्चन में भी डिवाइड कर सकता है। इसीलिए आपको लास्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर से वो ध्यान में रख के सारे प्रिपरेशंस को आपको करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर हम दोनों की बात करें तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा ट्रिकी है इस बार, बिकॉज वी हैव लेबर कॉस्टिंग, वी हैव मटेरियल्स, वी हैव ओवरहेड्स, तो थोड़ा सा आपको कॉस्टिंग में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप इजी तरीके से स्कोर कर पाओगे अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो, बिकॉज ऑल द चैप्टर्स बेसिकली आर रिलेटेड विद द जर्नल एंट्रीज, द लेजर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स भी एक चैप्टर है जहाँ पे आपको मैक्सिमम पोस्टिंग के मार्क्स मिल सकते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चंस को आप ध्यान से सॉल्व करें, और ये अकाउंट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बहुत सारे स्टूडेंट्स देते ही है। बट अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, एंड दैट इज़ द सब्जेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर मैक्सिमम स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते हैं, एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न वेयर स्टूडेंट्स आर लैकिंग बिहाइंड एंड उनके परसेंटेज जो है वो कम हो जाते हैं। सो वी शुड हैव मोर फोकस ऑन दिस टू थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, बिकॉज दिस टू थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की वजह से ही हमारे परसेंटेज बढ़ सकते हैं या फिर हमारे परसेंटेज कम हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग आपको ध्यान रखना है, और जैसे आप जानते हैं इस बार इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी चेंज हुआ है, मार्केटिंग का सिलेबस भी चेंज हुआ है, बट मार्केटिंग के सिलेबस में कुछ पार्ट पहले से जो था वही है, थोड़ा सा पार्ट चेंज हो चुका है, लेकिन ओवरऑल अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो पिछले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आप कर सकते हो जो सिलेबस से रिलेटेड है, और बाकी सारी चीज़ें नई आई है तो वो भी आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द न्यू पेपर पैटर्न। तो इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें ताकि आपके परसेंटेज बढ़ पाए। नेक्स्ट इज़ द अप्लाइड कंपोनेंट। मैंने यहाँ सब्जेक्ट्स नहीं लिखे हैं बिकॉज अप्लाइड कंपोनेंट में हर एक के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस, सम टेक टैक्सेस विद दैट डायरेक्ट टैक्सेशन, सम हैव टू थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग, परचेसिंग, स्टोर कीपिंग, मार्केटिंग रिसर्च, बहुत सारे हैं। तो उसके लिए आप एक ही चीज़ फॉलो कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को ध्यान से देखें, उस बेस पे सॉल्व करना स्टार्ट करें। भले लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चंस 15 मार्क्स का पूछा गया है, इस बार 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखें तो अप्लाइड कंपोनेंट के लेवल ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ईजी होते हैं, बिकॉज ये ऐसे पेपर्स है जो यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जो लोग ऑप्शंस में ये सब्जेक्ट लेते हैं वही ये सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, ये आपको काफ़ी ध्यान रखने हैं वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। नंबर फर्स्ट इज फोकस ऑन थियरी सब्जेक्ट्स। सो आपको थियरी सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे इकोनॉमिक्स है, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, या टैक्स में भी आपको थियरी पूछा जाएगा, तो थियरी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, सो दैट आपके ऑब्जेक्टिव्स बाकी की चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। नंबर सेकंड इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान से सॉल्व करना है, बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे आपके लिए एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाएगा। नेक्स्ट इज प्रिपेयर प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाए, किस बेस पे आपको प्रिपरेशंस करना है, सिंस वी हैव लास्ट 30 डेज, तो उस बेस पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बी पॉजिटिव ऑलवेज। हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव
चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि लिए अभी 30 डेज में सब कुछ पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस बेस में नेगेटिव थॉट आना जाहिर सी बात है, अगर नेगेटिव बन जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको करना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स बाकी है, जितने भी आपके बैकलॉग्स है, जितना आपका पेंडिंग वर्क है, वो ध्यान से कंप्लीट करें और हमेशा पॉजिटिव रहे। नंबर 5 है प्रैक्टिस, अकाउंट्स की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहे, पूरा दिन अकाउंट्स ना करें, थोड़े टाइम अकाउंट्स करें, थोड़े टाइम थियोरी करें, फिर से अकाउंट्स करें, तो इस टाइम का आपका पूरा डे डिवाइड कर ले। एंड नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कोई भी एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिवीजन। एंड रिवीजन इज व्हेनेवर यू हैव कंप्लीटेड यूर सिलेबस, अनलेस एंड अंटिल यू कंप्लीट यूर सिलेबस वी कैन नॉट गो विद रिवीजन। तो अभी हमको क्या करना है, 30 डेज में से 20 डेज में आपको आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मैक्सिमम 20 डेज में आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड बाकी रिमेनिंग 10 डेज में आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। तो रिविजन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वरना ऐसे हो जाएगा आप पढ़ते रहोगे और पिछला जो पढ़ा है वो आप सब कुछ भूल जाओगे, इसलिए आपको रिविजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको भी इससे रिलेटेड बेनिफिट मिल पाए। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर। Down.